नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक जो रहेगा वो हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई भी कंपटीशन हो। अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है या अन्य जो भी आप पेपर हल करना, देखना यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, विदेशी यात्रियों का विवरण। मतलब जो भी विदेशी यात्री ठीक है भारत आए हैं, उस समय किसका शासन था, किसका शासन प्रशासन था, कौन से वो राजा थे ठीक, जिनके समय बाहर से विदेशी यात्री आए हैं और भारत भ्रमण किया है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं ठीक, और बहुत सारे कामों को जो है अंजाम दिया है। तो यहां से क्वेश्चन एक तो फंसता ही फंसता है, क्या करना है। जैसा मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ऐसा आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा ऐसा आप जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे कि हाँ ऐसे कोई बता सकता है। एक चीज और बता दूं, इसको एक मैं फार्मूले बेस पे बताऊंगा और सिर्फ आपको दो लाइनें याद करना है, और दो लाइनें याद करोगे आपको पूरे के पूरे जो है याद हो जाएंगे कि भारत में किस शासन के समय कौन सा जो है यात्री, विदेशी यात्री भारत भ्रमण किया था, किसके समय कौन आया था। तो बहुत ध्यान से देखना है ठीक है, ऐसे पढ़ो कि आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाए, भूलो ना ठीक। आइए हम स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए कैसे आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, पहले ध्यान से देखिएगा। एक तो दो लाइन, एक लाइन और दो, पहली लाइन याद करना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शाहजहां को, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने शाहजहां को मोहनदास करमचंद गांधी की उपाधि दी। ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने याद करने का एक तरीका बनाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शाहजहां को मोहनदास करमचंद गांधी की उपाधि दी। ये शासक हो गए, कौन से शासक हैं, किसके समय कौन आया है ठीक, और कौन आया है। एक दूसरी लाइन, फादर ने मेगा पावर हर्ट्ज, भाई FM 0. मेगा पावर हर्ट्ज, देखिए फादर ने मेगा पावर हर्ट्ज पर एटा विश्वविद्यालय में दिंदा जनजाति को पुकारा। तो फादर ने मेगा पावर हर्ट्ज पर एटा व्यू में दिंदा जनजाति को पुकारा। अब यहां से क्या देखो, चंद्रगुप्त के समय कौन आया, एफ फॉर फयान ठीक। मौर्य के समय कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, एम फॉर मेघसनीज। देखो ये पूरा शाहजहां है, शाहजहां के समय क्या कौन आया, पी फॉर पीटर मुंडी। अब ये हा है, हर्षवर्धन के समय कौन आया, हा फॉर एच फॉर घनश्याम। अब जहां है, जहांगीर के समय कौन आया, जहांगीर के समय चार लोग आए थे, देखा, ए फॉर एडवर्ड टेरी, टी फॉर थॉमस रो, वी फॉर विलियम फिंच और वी फॉर विलियम हॉकिंस। समझ में आ रहा होगा। एम फॉर मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन आया, ई फॉर इब्न बतूता। देव राय के समय कौन आया, एन फॉर निकोल कोंटी। कृष्ण देव राय के समय कौन आया, डी फॉर डोमिंगो पायस। और गांधी के समय और गजनी के समय, डी फॉर गजनी के समय कौन आया, ए फॉर अलबरूनी। गजनी के समय अलबरूनी, कृष्ण देव राय के समय डोमिंगो पायस, देव राय के समय एन फॉर निकोल कोंटी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ई फॉर इब्न बतूता, और जो है जहांगीर के समय चार आए हैं, एडवर्ड टेरी, थॉमस रो, विलियम फिंच और विलियम हॉकिंस। और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग, शाहजहां के समय पी फॉर पीटर मुंडी, एम फॉर मेघसनीज, मौर्य के समय। तो ये हमारा सूत्र था, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ठीक। आप इसको याद करना है, लिखना है ठीक। एजीटीए के विषय में मैं इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा ठीक। पीसीएस की 200 वैकेंसी है, ऑनलाइन आवेदन चालू है, आप उसको बिल्कुल भरिए ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको एजीटीए की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ठीक है, तो आप 7379823368 पर कॉल कर सकते हैं, 7389823368। एजीटीए की पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ पहले मैं 1000 की दे रहा था, अब यही पीडीएफ आपको जो है 199 की पड़ेगी, तुरंत आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दी जाएगी, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ये पीडीएफ यूपी ट्रिपल एससी में काम करेगी, शुगर केन में काम करेगी, आने वाली जो भी वैकेंसी है उसमें काम करेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।